नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ की फिर से हमारे इसे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि दोस्तों आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। अपने घरों में तो दोस्तों कुंभ राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों ईश्वर भी नहीं रोक सकता है आज आप दोनों को मिलने से, क्योंकि दोस्तों आज सबसे अच्छा मौका है। इसीलिए आपको बता देते हैं, जल्दी मिलो, कहीं देर न हो जाए, जीवन भर आपको पछताना न पड़े। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुने हैं, और जैसे कि आपने आज थंबनेल और टाइटल में देखा, दोस्तों बिल्कुल वैसा ही होने वाले हैं, क्योंकि जीवन का सबसे सुनहरा मौका आज आपको अपनी कुंडली में दस्तक दे चुके हैं। तो आइए जानते हैं अपनी लव राशिफल के माध्यम से आखिरकार अपने जीवन में ऐसे सबसे सुनहरा मौका कब आ चुके हैं, और अपने कुंडली में आज क्या क्या होने वाली है, कौन कौन सी परेशानियां और कौन कौन सी समय क्या उत्पन्न होने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको आज बता देती हैं कि अपना राशिफल आज कैसे रहने वाले हैं, और साथ ही अपना आज का दिन कैसे रहने वाले हैं, तथा कुंभ राशि की प्रेम, स्वास्थ्य, संपत्ति, नौकरी और व्यापार के रहने वाले हैं। दोस्तों ये सब संपूर्ण जानकारी आपको आज प्राप्त होने वाला है। बस इस वीडियो को दोस्तों आज आधा अधूरा देखकर न जाएं, और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख लें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के मध्य में बताई गई सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास आने वाले हैं, जो कि ज्योतिषी द्वारा गणना कर किया से भी तक इस बात को पहुँचाने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप सब सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता देते हैं कि आज राहुकाल दोस्तों कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे, चंद्रमा कौन सी राशि पर संचार करेंगे, और साथ ही सूर्योदय और सूर्यास्त भी का होने वाला है आज, संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त होने जा रहा है। बस इस वीडियो को आधा अधूरा देख कर न जाएं दोस्तों, और शुरू से तथा तक एक बार अवश्य ही देख ले। अक्सर दे से करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें आप सभी को कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है, और जब तक संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप कोई शुभ कार्य भी नहीं कर पाएंगे, और अनजाने में गलतियों से कोई गलत कदम उठा लेते हैं दोस्तों, जिसमें आप से ही को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ी मुश्किलों का से सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं आखिर का राज अपने जीवन में क्या होने वाली है, कौन सी समस्या और कौन सी परेशानियां उत्पन्न होने वाले हैं। उनसे पहले दोस्तों, जिनकी आज बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी हो, आप सभी को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं एक छोटा सा अनमोल विचार से। तो किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों, अगर बच्चे से कुछ है उम्मीद है तो पहले बुजुर्गों का मानने रखो, शुरुआत छोटी ही सही भी है हटकर पहले एक अलग पहचान बनाओ। दोस्तों आप हमारे इस बात से सहमत हैं तो एक लाइक करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमारे वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और भगवान कुबेर की सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर अवश्य ही लिखें, क्योंकि दोस्तों बाबा कुबेर आपकी आज सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, सारे कष्ट को दूर करने वाले है। तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, चलिए अब आप को बता देते हैं कि आज राहुकाल कितने बजे से कितने बजे तक रैकिंग। जी हाँ दोस्तों, आज राहुकाल जाने वाले हिस्से बाकी 9:32 से 11:02 तक, उसके उपरांत चंद्रमा आज सिंह राशि पर संचार करेंगे, और साथ ही सूर्य होती आज सिब्बल की 6:20 में, और सूर्यास्त शाम 6:25 में होने जा रहा है। चलिए अब आपको बता देते ही अपनी राशिफल के बारे में, तथा दोस्तों अपने जीवन काल के बारे में, अपनी भविष्य के बारे में। कुंभ राशि वालों आज अपने जीवन काल में कानूनी मुश्किलों अभी आपको परेशान कर रहे हैं, जिसमें शायद चोट या दुर्घटनावश शामिल हैं। कड़ी मेहनत करें और अपने आसपास के विवादों को नजरअंदाज करें,
दोस्तों, आपके शत्रु आपकी सफलता के बाद डाल की है किंतु सकारात्मक रह सके जरिए रहना आपकी लंबे समय तक मदद करेंगे और जीवन में किसी प्रकार की उत्पत्ति और समस्या भी नहीं मचेगा। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता देते हैं कि आज अपने परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। विभिन्नता तरीकों से आपकी रचनात्मक लोगों तक पहुंच की हर चीज की अधिक कार्य भी अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए दुरुस्त तुलना और संतुलित बनाए रखें, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी हर सबसे नहीं रहती है, क्योंकि दोस्तों दूसरे हमें नहीं पहचानता। हर इसमें है कि हम खुद अपने आप को नहीं पाए जानते हैं और जीवन में आगे भी पर रहते हैं। कुंभ राशि वालों, दोस्तों चलिए जान लेते हैं अपने करियर के बारे में। अपने करियर में आज क्या होने वाली है, कौन सी समस्या और कौन सी परेशानियां आने वाले हैं, तो आपको बता देती है कि अपने जीवन काल में आज समय के साथ साथ है आपकी सोच बेहतरीन होते जा रहा है, पर लगातार प्रयास आपको न केवल नौकरी में उन्नति दिलाएगी बल्कि दोस्तों में अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। दुश्मन और विवादों से आपका पता लापता भी हो सकते हैं और पाला पड़ सकते हैं, लेकिन आपके मौजूदगी इरादों आपको अपने लक्ष्य पूरा करने में मदद करेंगे। आप अपने प्रयास से मूल्यांकन और दृढ़ संकल्प आपको एक अलग पहचान दिला रहा है। बस दोस्तों आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों या सहकर्मियों से बातचीत करने की हर कोशिश करेंगे और उन्हें अपनी सूझबूझ के प्रभावित करेंगे, तो दोस्तों आप आज नई चुनौतियों में अवसर का भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। कुछ बाला सोच कर है, क्योंकि भाग्य आपके साथ है और जीवन में किसी प्रकार की उत्पत्ति भी नहीं पूछेगा। दोस्तों कुंभ राशि वालों, चलिए अब आपको बता दें कि अपने प्रेम संबंधों के बारे में तथा दोस्तों अपनी लव लाइफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आज अपने जीवन काल में आपके सितारे बता रहा है कि किराएदार या अपनी आठ में अधिक लम्हों से मेल जोल बढ़ाने के लिए यह समय उपयुक्त है। अगर रिश्ता न आया है तो या रहा पर धीरे धीरे कदम उठाएंगे, ऐसे करने से आप जल्द और अच्छे से एक दूसरे को पाला पाएंगे। दुश्मनों से विवाद होने की भी आशंका है। दोस्तों आज आप अपने परिवार और है विवेच्य लोगों से जुड़ा महसूस करेंगे, क्योंकि दोस्तों करना अगर आप एक ऑनलाइन डिलीवरी या फिर दोस्त रिश्ते में हुई, आज इंटरनेट से रिलेशन और सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपने को सूची प्रदान करेंगे उन सुर्खियों को अच्छे से सोलमेट ले, किंतु अवशेष में आ रहे कोई भी निर्णय लेने से बचें, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आपको अपने में किसी प्रकार की उत्पत्ति और समस्या भी नहीं रहेगा और जल्द से जल्द आप कोई भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आपको आज बता देते हैं कि आप जिनसे मिलना चाहते थे आज आपके जीवन काल में हुआ प्रस्तुत हो चुके हैं, आ चुका है, क्योंकि सबसे अच्छा मौका आज आपको मिला है, इसीलिए इनसे जल्दी मिल लो वरना कहीं देर न हो जाए और फिर ऐसे मौका आपके हाथ से निकल जाएगा तो जीवन में ऐसी मौका फिर दोबारा आपको प्राप्त नहीं होगा। आज दोस्तों आपको ईश्वर भी नहीं रोक सकता है आप दोनों को मिलने से, क्योंकि ईश्वर की पूरी छूट है आप दोनों से मिलने के लिए। जब दोस्त ईश्वर है, जिनसे चाहता है मिली था वही अक्सर मिल पाते हैं, वरना इन दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, है जब तक कि भगवान की मर्जी न हो और आप दोनों कुछ भी कर ले, भगवान के लिखा हुआ को कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों इसीलिए आज आप दोनों को भगवान अपने कुंडलियों में लिख चुके हैं और आप दोनों को मिलाने की पूरी प्रयत्न भी कर सकता है। जो वचन एक बार दे दिया वे वचन कभी काटने वाला नहीं है, और आप दोनों का ऐसे वचन पड़ चुका है जो दोस्तों आप दोनों का वचन आज करने वाला नहीं है, और जीवन में सर्वश्रेष्ठ आज आप दोनों बनने वाले हैं, इसीलिए आप दोनों आज जल्द से जल्द मिलो। आप दोनों का सबसे अच्छा मौका आज प्रस्तुत हो चुके हैं। आप दोनों भी बहुत दिनों से दोस्तों प्रतीक्षा कर रहा था मिलने के लिए, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज आप दोनों की सबसे अच्छा और सबसे सरल मौका मिल चुका है जो कि जीवन की सबसे सुनहरा पल आप बोल भी सकते हैं। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख ले। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकले तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले, इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा, यह सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करेगा। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जब जाएगा, फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप मालामाल भी बन जाएंगे। जी हाँ, और साथ में दोस्तों मेहनत का फल मीठा होता है, यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी और शायद महसूस भी की होंगी, मगर कई बार मेहनत करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी हमें उम्मीद होती है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी आपका किस्मत साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जो समय की शुरुआत वाली है, अगले 24 घंटे के भीतर से उनसे आपके जीवन में सभी रुके हुए कार्य सबसे पहले महादेव जी की कृपा से संपन्न होंगे। जी हाँ, आप बहुत दिनों से परेशान निराश थे, पिछले कुछ समय से आपके सभी कार्य में हानि ही हानि हुए हैं और वही सोचकर आप अभी तक अपने आप में हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि कोई काम करे तो कैसे करे, और यही डर से आपके सभी कार्य में हानि हो रही है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी आपके ऊपर पिछले 15 दिन से आपके साथ एक छाया की तरह चल रहे हैं, आपको हर कदम में साथ दे रहे हैं, लेकिन आप वही बीते हुए दिन की यादों में डूबे हुए हैं और आप अपने जीवन काल में कोई नई जिंदगी की शुरुआत भी करने के बारे में बिल्कुल कभी चर्चा नहीं किए हैं। दोस्तों ईश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ है। यह समय आप अपने इस कीमती समय को बर्बाद ना करके हिम्मत हौसला जुटा करके किसी भी काम को करने के बारे में सोचेंगे और वह काम के पीछे लग जाएंगे तो यकीन मानिए ग्रहों के मुताबिक आपके सारे काम संपन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि यह समय भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी सोया हुआ नसीब पुनः जगाने वाला है। जी हाँ, आप अपने जीवन काल में अभी तक वह खुशियाँ नहीं पाई है जिनके लिए दोस्तों आप पिछले कई दिनों से जो सोचते आ रहे हैं, यूँ कहें कि कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, और आप यह बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं जो आपके ही अड़ोस पड़ोस में, जो कि दोस्तों हमेशा अपने जीवन काल में बुरे कार्य करते हैं, फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं, उसका किस्मत चमक ही जाता है। परंतु मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि वे लोग भले ही अपने जीवन काल में खुश रहते हैं, भले ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह घमंड भी बहुत करते हैं। वह आपको नीचे गुर्राने के लिए बहुत सारे हदें पार भी कर चुके हैं। परंतु दोस्तों, अब वह समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है, अब आपके दुश्मन का बुरा समय की शुरुआत हो चुके हैं और आपके शुभ समय की। जी हाँ, बस आप कभी भी अपने ओर से किसी को कोई तकलीफ न पहुँचाएं, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, अब आप थाना करें क्योंकि आपके ऊपर महादेवी जी का आशीर्वाद है और महादेव जी का आशीर्वाद से ही उनका विनाश होना निश्चित है और आपका बिगड़ी बनना तय है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी जीवन काल में तीन बड़े बड़े और गंभीर राजयोग का निर्माण हुआ है। इनकी कारणवश दोस्तों सबसे बड़ा जो चीज आपकी जीवन काल में होने वाला है, दोस्तों जो भी आपके गुप्त शत्रु होंगे दोस्तों उनके लिए बहुत ही घातक योग का निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देवी दुर्गा माँ की कृपा से अब आपको वो सारी चीजें मिलेंगे जिसका आपको बहुत दिनों से तलाश था। दोस्तों बस आपसे एक विनती करते हैं
आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर। आप यहां 5 गलती मत करना, फिर देखना माता रानी का चमत्कार। जी हां, आने वाले अगले 24 घंटे तक आप आएगा अगर यह नियम में डटे रहे तो फिर आपको बधाई हो अभी से ही, क्योंकि ऐसा महासंयोग कीमती समय बड़े सालों बाद ही देखने को मिलते हैं। और आप अगर इस समय सावधानी पूर्वक अपने जीवन काल में इस बात कोडोट मन में 5 बार दोहरा दिया तो आपका स्वागत में पूरे गली मोहल्ले के आदमी लग जाएंगे। जी हाँ, आइए जानते हैं आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक कौन से सावधानियां बरतनी होंगी और कौन से नियम अपनाने होंगे। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आपको आने वाले अगले 24 घंटे तक मांस मछली अंडे नहीं खाने होंगे, क्योंकि उपयोगी होगी देवी माँ दुर्गा जी आपके घर पर दस्तक देंगी आपको सफल बनाने के लिए। और अगर आप इसके बीच में किसी भी जीव जंतु का हत्या करके अपना पेट भरेंगे तो कोई भी देवी देवता आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। जी हाँ। और दूसरे नंबर आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको शराब पीकर घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि माँ दुर्गा माँ लक्ष्मी है, माँ दुर्गा ही माँ सरस्वती है, माँ दुर्गा ही आदि शक्ति है, माँ दुर्गा ही संसार की जगत जननी है। घर जिससे आपका बजट गड़बड़ा जाता है और आपके जीवन में परेशानियां प्रवेश कर जाती है, इस समय आपका अपने भाइयों से भी अपना बहुत मनमुटाव हो सकता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि आपको किसी से भी किसी प्रकार की चर्चा करते समय बहस में ही बढ़ना है। यदि माहौल बेहतर बनने लगता है तो आपको वही स्थान छोड़ देना है, वरना आप अपनी ऊर्जा और अपना समय दोनों ही बर्बाद करेंगे। इस समय आपको उतावली कौन से भी काम नहीं लेना है, आपको बड़ी गंभीरता से पूरे मामले को समझना है और सोच समझकर ही कदम बढ़ाना है। यदि आप उतावलापन दिखाएंगे तो आपके जीवन में विपत्तियों की बाढ़ आ जाएगी, आपके बने हुए काम भी बिगड़ते चले जाएंगे। जी हाँ मित्र, किसी भी कीमत पर आपको उधार नहीं देना है, इस समय दिया गया था ना, और आपको वापस कभी भी नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा भी तो आपके रिश्ते खराब करवा देगा। जिसका मित्रों, आपको किसी भी प्रकार का धन किसी को भी उधार नहीं देना है और व्यक्तिगत जरूरतों के लिए भी आपको धन उधार नहीं लेना है। यह मित्रों, जिस प्रकार धन जाना बुरा होता है उसी प्रकार उधार का धर्म आना भी बुरा होता है। जी हाँ मित्रों, आपको जो भी आपके पास है बस इतने में ही काम चलाने की आदत डालनी होगी। समय अवश्य ही पत्रिका कुछ समय के बाद आपके ग्रहों की चाल बहुत सुंदर होने जा रही है, आप हमारा यकीन करिए। मैं तो कुछ समय के बाद आपका समय इतना सुंदर होने जा रहा है कि आपके पास इतनी खुशियां आएंगे, क्या आपको यकीन नहीं होगा कि आपका जीवन तो इतनी पी रहा हूँ, शिप्रा हुआ था, अब अचानक क्या हो गया। मित्र, सब कुछ ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। इंसान तो हर प्रयास करता है लेकिन कभी विफलता मिलती है और तभी सफलता मिलती है। आपके जीवन में भी सफलता पाने में अभी थोड़ा सा समय है, जैसे ही ग्रहों का गोचर है वह सकारात्मक होगा, आपके पक्ष में होगा, आपके जीवन में सफलताओं का भी प्रवेश होगा। तो मित्र, आपको ऐसे इंसानों से भी बचकर रहना है जो आपका दुरुपयोग करते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं। जहां मित्रों आप अपने मित्र और शत्रु की पहचान करने में थोड़ी सी कच्चे हैं, और आपके सामने यदि कोडोट अपना दुख न होता है मगरमच्छ के आंसू की वह आता है, तभी आप उसे प्रभावित हो जाते हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए राजी हो जाते हैं। यह स्थिति आपके लिए बहुत बुरी है, क्योंकि आपके दूध आपकी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं, विभाग चुके हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, तो भी आपका लाभ उठाने के लिए ऐसी स्थिति बना देते हैं और आपका दुरुपयोग हो जाता है। हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह इंसान भरोसे के काबिल नहीं है, फिर भी आप उसके दिखावटी भावनाओं में बह जाते हैं और अपना शोषण करवा लेते हैं। तो आपको ऐसे इंसानों से भी बदतर रहने की आवश्यकता है। इस श्रेणी में आपकी कुछ मित्र और रिश्तेदार शामिल है। यह मित्र अक्सर लोग आपसे धन उधार लेकर वापस नहीं करते हैं, आपको परेशान करते हैं, चक्कर कटवाते हैं, कभी कभी तो आप उस धन को भूल ही जाते हैं कि आप उस तरीके के इंसान नहीं हैं जो किसी के पीछे ज्यादा समय तक हूँ मैं और किसी के बिना मतलब मैं चापलूसी करें। जी हमें
तो आपके अंदर बहुत अधिक स्वाभिमान है, आप अपनी संतों पर अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। परिस्थितियाँ विकट आपस में ही कहीं झुकना पसंद नहीं करते हैं। यह आपके सद्गुरु में से कुछ गुण हैं। जी हाँ मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी स्त्री है जो आपको लगातार का दिया जा रही है, अंदर ही अंदर आपका शोषण कर रही है, और वह स्त्री आपको भावनात्मक रूप से इतना अधिक पहचानती है कि आपकी भावनाएं न बदले इसके लिए पहले ही तैयारी करके बैठती है और मगरमच्छ के आंसू बहाती है और आपका शोषण करती चली जा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि वह स्त्री है जो हर वक्त आपके साथ रहती है। वह आपके कार्यस्थल पर भी हो सकती है, आपके घर में भी हो सकती भी है, आपकी सहकर्मी भी हो सकती है, या आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी हो सकती है। उस स्त्री की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह स्त्री हर वक्त आपकी चापलूसी करने की कोशिश करती है। आपको कभी कभी ऐसा एहसास भी होता है कि यह ग्रुप तो आपके अंदर है, अभी नहीं तो फिर वही स्त्री ओनम करो कि आपके सामने आपकी तारीफ कर रही होती है। आपके मन में इन सब बातों के लिए कभी कभी थोड़ा सा बहन अवश्य पैदा होता है, लेकिन आप भावनाओं में बह जाती है यह मित्रों, और वह स्त्री अपने आकर्षण का आपके सामने अत्यधिक प्रदर्शन भी करती है, और वह चाहती है कि आप उसकी तरफ आकर्षित हो और उसे प्रभावित में। तो आपको बहुत सतर्कता से पहचान करनी है ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके आस पास रहकर हमेशा आपसे बस मदद की मांग करती रहती है, रुपए पैसे को लेकर आपका लगातार शोषण करती चली आ रही है, आपसे तरह तरह की चीजों की डिमांड करती रहती है। मित्र ऐसी स्त्री आपका कभी भला नहीं जा सकते, वह मन ही मन आपका शोषण कर रही है, आपको धोखा दे रही है। आप अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करें। आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, बड़े आराम से पता लगा लेंगे। यदि आप बाबू को कर सोचेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन यदि आप अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करेंगे तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है। नाम तक आपको पता चल जाएगा। जब आपको पता लग जाए तो आप तुरंत ही कोशिश थी यह अपना पीछा छुड़ा ले, वरना आप बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। अपना पीछा छुड़ा ले वरना आप बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी बर्बादी निश्चित है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।